तो स्टार्ट हो रही है भाई। ये देखो जादू, ये हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो के अंदर। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर है कुछ ऐसा जो बिगिनर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस अगर उस चीज को आप बहुत अच्छे से सीखोगे तो अपनी ड्राइविंग को जो है वो काफी अच्छा आप बना सकते हो। तो गाइस टाइटल से तो आपको क्लियर हो गया होगा, थंबनेल से भी क्लियर हो गया होगा कि भाई मैं किस चीज के बारे में आज बताने वाला। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है वाइपर कंट्रोल और लाइट्स कंट्रोल के ऊपर, कि एक्चुअल में ये कंट्रोल वर्क कैसे करते हैं और हमें इसको कैसे ऑपरेट करना होता है, वो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके लिए हमें ये वीडियो को आज पूरा देखना पड़ेगा। गाइस इस वीडियो में जो भी ऑपरेशन है कैसे वो फंक्शन करते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ, और इस वीडियो को आप एंड तक देखना, स्किप मत करना, नहीं तो कुछ ना कुछ आप बीच में स्किप ही कर जाओगे और फिर आपको बाद में कंफ्यूजन होगी भाई ये नहीं बताया वो नहीं बताया। तो आप वीडियो को ढंग से देखिए, उसके बाद आप प्रॉपर फंक्शनिंग को समझिए कैसे काम कर रहा है क्या कर रहा है, और उसके बाद आपको फिर आपको पूरा डिटेल पता लगेगा भाई कैसे इसकी वर्किंग है, क्या हमें कैसे करना है। तो गाइस यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा वाइपर कंट्रोल के बारे में। तो वाइपर कंट्रोल एक ऐसा कंट्रोल है जिससे हम गाड़ी के जो वाइपर्स होते हैं सामने के उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे नाम से पता है वाइपर कंट्रोल, तो मतलब वाइपर कंट्रोल, और किसी चीज का कंट्रोल तो होगा नहीं भाई, ठीक है। तो वाइपर कंट्रोल करते हैं। वाइपर कंट्रोल के अंदर हमें क्या चीज देखनी होती है, वो चीज ये देखनी है कि भाई वाइपर कंट्रोल्स के अंदर फंक्शन कितने हैं। गाइस यहाँ पे जो टोटल है वो 4 फंक्शन आते हैं। 4 फंक्शन में अपने पास जो है वो कोर फंक्शन रहते हैं, उसके अलावा जो है एडिशनल जो है वो फीचर की तरह उसमें एडवांटेज उसको एक मिल जाता है कि उसमें एक एडिशनल जो है फीचर मिल रहा है आपको। तो सबसे पहले जो हमारा आता है कि उसको हम ऑन करते हैं तो उसमें आता है INT। तो आप इंटरवल से याद रखोगे तो आपको ज्यादा इजीली याद हो जाएगा भाई INT मतलब इंटरवल। वैसे इंटरवल के बाद अगर कोई चीज चल रही है तो मतलब उसके बीच में गैप आएगा, तो गैप का मतलब आपको क्या रहेगा, जैसे ये हमारा वाइपर है, ठीक है, ये हम एक तरह से जो है फिंगर को वाइपर ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये वाइपर इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, इसके बाद ये रुकेगा, रुकने के बाद फिर से चलेगा, ठीक है। तो ये आपका इंटरवल होगा INT का मतलब। तो अब यहाँ पे जो वाइपर है कैसे चल रहे हैं, एक फंक्शन ऐसे कर रहा है, ठीक है, तो वाइपर का फंक्शन ये है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बार वाइपर चला फिर रुक गया, फिर एक बार चला फिर रुक गया, एक बार ऐसे ऐसे फिर रुका, ऐसे ऐसे फिर रुका, तो जो इसके बीच में जो गैप आ रहा है उसको हम इंटरवल कहते हैं। वो गैप आपका हो सकता है 1 सेकंड का भी, वो हो सकता है 2 सेकंड का भी, वो हो सकता है 3 सेकंड का भी, वो हो सकता है 7 सेकंड का भी, वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, गाड़ी के फीचर के ऊपर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो कोर फीचर है आपके, जो गाड़ी का जो कोर फीचर है वो रहेगा आपके इंटरवल देना। अब डिपेंड करेगा इसका जो एडिशनल एडवांटेज जो इसको मिलती है वो मिलती है एडिशनल फीचर जो गाड़ी वाइज डिफर करते हैं। 800 कार में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो उसके अंदर नहीं है, बट I20 का मैंने इसके अंदर एग्जांपल जो है इंक्लूड किया हुआ है वीडियो के अंदर, उसमें आपको गैप सेट करने का ऑप्शन है। तो वहां पे मैंने जैसे वीडियो मैंने देखा तो उसमें मुझे लगता है 2 से लेकर 7 सेकंड 7 to 8 सेकंड का गैप सेट करने का आपके पास टाइम है, वो आप सेट कर सकते हो। वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कैसे सेट करोगे। इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाते हैं हाई एंड लो फीचर। तो हाई फीचर आपको क्या करता है, हाई फीचर में मतलब आप क्या करोगे, मतलब हाई स्पीड से आपके वाइपर चल रहे हैं, लो स्पीड से मतलब हाई से थोड़ा कम, उसमें आपके ऐसे चल रहे हैं वाइपर्स, ठीक है, और हाई स्पीड में आपके यूं चल रहे हैं स्पीड से, ये फर्क पड़ता है उसके अंदर। तो ये मैं आपको लाइव एग्जांपल इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो भाई इसके बाद जो हमारे पास आता है सीक्वेंस कैसे वर्क करता है वाइपर का, सबसे पहले आपका ऑफ कंडीशन से वाइपर जाएगा INT इंटरवल के बाद, बिकॉज हल्का चलाना है, फिर उसके बाद थोड़ा स्पीड में यानी लो मोड पे जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा वाइपर हाई मोड पे, बिल्कुल एकदम फास्ट चलाना, ठीक है, और उसके बाद आपका जो वाइपर कंट्रोल होता है उसको ऊपर की तरफ उठाओगे तो आपके जो है वो पानी जो है वहां से मिस्ट वाली चीज जो है वो सामने से जो है निकलेगा पानी आपके विंडस्क्रीन के ऊपर, और आप उसको इजिली वाइप आउट कर सकते हो अपने वाइपर का इस्तेमाल करके। तो गाइस वीडियो को देखिए, आपको वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है। गाइस अब जल्दी से चलते गाड़ी की तरफ, गाड़ी में आपको मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे क्या चीजें वर्क कर रही है। गाइस अब यहाँ पे जो है अब वाइपर कंट्रोल के ऊपर मैं आ जाता हूँ, थोड़ा इसको ऑफ कर लेते हैं भाई, बैटरी खत्म हो जाएगी। वाइपर कंट्रोल में क्या होता है, सामने के जो वाइपर्स हैं वो कंट्रोल होते हैं, वो आपको पता है, तो वो अब उसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि वाइपर सबको पता है। ये वाले जो है वाइपर मैंने अपनी पुरानी वीडियो जो मैंने डाली है उसमें बताया हुआ, नहीं अगर आपको पता है तो आपको मैं एक वीडियो यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। अब जो वाइपर है, वाइपर जो है एक्चुअल में आपका कैसे काम करता है, वाइपर में देखो यहाँ पे ऑफ है, ठीक है, INT है, लो है और हाई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, वाइपर का काम है साफ करना, ठीक है, ये दो ही चीज़ ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास, एक तो हम स्लो मोड में साफ करें, एक फास्ट मोड में साफ करें। तो स्लो मोड क्या होता है, जैसे कि आपने क्या किया है, थोड़ा सा स्लो रखा है आपको, तो ऐसे करके वाइपर चलेगा, 1 2 3 4 इस तरह से चलेगा, ठीक है। अगर आपने लगाया हुआ है इससे भी स्लो, इसमें क्या होगा, 1 2 फिर रुक जाएगा, ठीक है,
फिर से उसके बाद एक दो फिर रुक जाएगा। एक होगा फास्ट वाला कंटिन्यूस, ऐसे करके चल रहा है आपका, बहुत ज्यादा आपकी मतलब बारिश है उसमें आपको इस तरह से जो क्लियर करते हुए दिखाएगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ लाइव इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे पहले चाबी लगा लेते हैं तभी ये ऑन होगा। तो चाबी मैंने यहाँ पे लगा दी हुई है, अब मैं इसको चलाऊंगा थोड़ा सा इसको मैं। अब इसमें एक चीज मैं पहले बता देता हूँ आपको कि वाइपर में क्या होता है, वाइपर में छोटी छोटी नोब्स आगे दी गई होती है जिससे जो है पानी ऊपर की तरफ को आता है, और उस पानी को ऊपर लाने के लिए आपको ये ऊपर की तरफ को दबाना होता है ताकि आपका जो ग्लास है इसके ऊपर काफी धूल वगैरह होती है, अगर आप वाइपर ऑन कर देते हो तो आपकी धूल से जो है शीशे के ऊपर जो स्क्रैच ज्यादा पड़ जाते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए आपको यहाँ पे गीला करना होता है शीशे को। तो जैसे मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ कर रहा हूँ तो देखो पानी सामने आया, ऊपर की तरफ को मैंने किया ऐसे, तो ये देखो वाइपर साथ में ही चल पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए क्योंकि इसके ऊपर डस्ट है तो मैं नहीं चाहता कि स्क्रैचेस पड़े शीशे पे। अब यहाँ पे मैं अगर इसको INT पे लगा देता हूँ तो देखो कैसे काम कर रहा है। एक बार हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, ये देखो दूसरी बार हुआ, फिर देखो और हुआ, तो गैप के बाद हो रहा है, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं इसको मूव कर देता हूँ लो पे, तो लो पे देखो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। नीचे कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं ये मत सोच लेना कि भाई अपने कुछ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब यही चीज अगर मैं हाई पे लगा लेता हूँ, ये देखो हाई पे मोटर की आवाज भी आ रही होगी आपको, तो ये हाई पे है, ठीक है, स्पीड में हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ऑफ पे ये ऑफ है, ठीक है। INT का मतलब इंटरवल रखो या इंटरमिनेंट इसको बोलते हैं हम। इसमें क्या होता है कि मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, इंटरवल इसको समझ लो ज्यादा अच्छा है, इंटरवल के बाद आपको फॉर एग्जांपल 3 सेकंड ऑफ इंटरवल, 4 सेकंड ऑफ इंटरवल आपको देना है, 4 सेकंड के बाद चले, वो बाय डिफॉल्ट गाड़ी की सेटिंग होती है, उसमें आप नहीं कर सकते कुछ इस गाड़ी के अंदर। बट हाँ, जो वो दूसरी है जो आजकल की नई जिसमें फीचर्स ज्यादा होते हैं उसमें आप ये चीज को सेट कर सकते हो कि आपका कितने गैप के बाद जो चीजें हैं वो होती रहे, फंक्शन करे। तो लो में आपका स्पीड कम रहेगी, हाई में आपकी स्पीड ज्यादा रहेगी, ऊपर को अगर करोगे तो पानी जो है आएगा, ठीक है, शीशा साफ करने के लिए। तो गाइज यहाँ पे इतनी सी चीजें हैं। और फिर उसके बाद अगर हम वाइपर वाली साइड पे आते हैं तो वाइपर वाली साइड पे हमें क्या मिल जाता है, मिस्ट, मतलब जो आपका वो ऊपर की तरफ को इसको अगर मैं करूँगा वही वो पानी ऊपर जो आता है ना वो ऊपर की तरफ को आएगा और वाइपर चलेंगे और उसको साफ करेंगे डस्ट को। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वही चीज है ऑन ऑफ एंड ऑल सारा, ठीक है। यहाँ पे ऑन, यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, INT इंटरवल, लो हाई, ठीक है, वही सब चीजें हैं। अब यहाँ से आपकी जो वाइपर की स्पीड है वो कंट्रोल कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक बार ऑन कर लेता हूँ वाइपर को, थोड़ा पहले डस्ट को साफ कर लूँ। तो डस्ट यहाँ पे मैंने जो है साफ कर ली हुई, भाई इतना गंद देखो, इतने में अगर सीधा वाइपर चलाओगे स्क्रैचेस आ जाएंगे, ठीक है। तो डस्ट मैंने यहाँ पे साफ कर ली हुई है। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं वाइपर को ऑन करने लगा हूँ। वाइपर इसमें क्या, यहाँ देखो एरो दिया हुआ ना, नीचे की तरफ को हमने करना है, नीचे की तरफ को ऑन होगा। तो हमें इसको नीचे की तरफ को कर लिया, देखो नीचे की तरफ करने के बाद एक में ये इतने इंटरवल पे चलेगा, इसका इंटरवल जो है वो ज्यादा है, देखो ये देखो अब चल रहा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से अगर इसको कम ज्यादा कर सकता हूँ, इसको हाई पे ले जाता हूँ, देखो हाई पे क्या होगा, अभी देखो चल ही रहा है अब, ठीक है, अब इसमें गैप कोई नहीं आ रहा बीच में। इसको थोड़ा मैं नीचे कर दूंगा एक, तो हल्का आई थिंक 1. कुछ सेकंड का गैप आया। उसके बाद मैं यहाँ से इसको और नीचे कर लेता हूँ, 2.5 के राउंड कुछ गैप आया है, 4 सेकंड का तकरीबन गैप आया है, 3 या 4 सेकंड का ये, सात सेकंड का गैप आया यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका जो है वो फीचर है, ये वाला स्पीड वाला। तो यहीं पे अगर मैं इसको ये लो पे कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा मीडियम लेवल पे रखूँ तो ज़्यादा अच्छा है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा कुछ गड़बड़। तो यहाँ पे मैं इसको अब यहाँ से नीचे करूँगा ना, अभी यहाँ पे था, यहाँ पे ऑफ था, ठीक है, यहाँ से नीचे आऊँगा पहले तो INT इंटरवल वाले पे, लो पे एंड हाई पे। तो ये INT वाला है, ये लो है, लो वाले पे देखो ऐसे चल रहा है। अब इस पे स्पीड पे यहाँ पे करूँगा तो इसका कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि देखो जो ये वाली चीज़ बनी हुई है वो सिर्फ बनी है इंटरवल सेट करने के लिए, INT वाले के लिए इसमें इंटरवल सेट करने का दिया है। बट जो वो दूसरी 800 कार थी उसके अंदर जो है आपका वो बाय डिफॉल्ट ही आता है, उसमें आप सेटिंग नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं इसको नीचे करूँ तो देखो फास्ट चल रहा है, तो ये फ़र्क इसमें आएगा, ठीक है। तो ये गाइज आपको यहाँ पे याद रख लेना है इसके लिए।
हमने इसको यहाँ पे ऑफ कर दिया, ठीक है, ये ऑफ पे आ गया हुआ है। तो गाइज ये है दोनों गाड़ी का डिफरेंस आपके सामने है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए, मैं गाइज उसके ऊपर आपको एक अलग से वीडियो बना करके दिखा दूंगा। बाकी गाड़ी कर लेते हैं ऑफ, नहीं तो जाएगी बैटरी खत्म।